आदाब, नमस्कार। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं नॉवेल सीताहरण। आज इस नॉवेल की 7वीं किस्त सुनिए। सीताहरण की 7वीं किस्त। दूसरे रोज धूप बहुत तेज थी और इर्द गिर्द के छक्कर चल रहे थे और शम्स तबरेज के मकबरे के बरामदों में खौफनाक सुर्ख आंखों वाले कलंदर और गलीज बुरकों में मलबूस औरतों और चरस के दम लगाते हुए लोफरों और तवायफों का हुजूम था। हर शख्स खौफनाक था। लर्जा खेज शक्लों वाले, कान में बड़े बड़े बाले पहने हुए फकीर और शाह दूल्हा के चूहे और भांत भांत की नौजवान भिकारणें, यही आपकी सूफीज्म की कल्चर है, इरफान ने तंजिया आवाज में सीता से कहा। मुल्तान से रवाना होकर जब वो दोबारा सीधी सड़क पर आए तो इरफान ने कहा, शहजाद अपनी दास्तान शुरू करो। और कहां तक सुनाऊं, अंजाम तो आपको मालूम है। नहीं, मुझे अंजाम मालूम नहीं, मालूम करना चाहता हूं ताकि आप अपना हुक्म लगा सकें, ताकि मैं अपना फैसला कर सकूं। ओफो, आप गैर इश्तराकी लोग किस कदर रोमांटिक होते हैं। हाँ, तो मैं कहां तक पहुंची थी। जेनिफर ने कलकत्ते जाकर कमर से ब्याह कर लिया। हाँ, और अभी उनके ब्याह के 6 महीने ही गुजरे होंगे। एक रोज में बावर्ची खाने में राहुल के लिए दलिया तैयार कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने किवाड़ खोले, सामने कबर खड़ा था। अरे, मैंने कहा, तुम कैसे आ गए, तुमने कलकत्ता और न्यूयॉर्क घर आंगन बना रखा है। तब उसने एक सख्त ड्रामाई बात कही। वो बड़ी गंभीर बंगाली रोमांटिक आवाज में बोला, सीता, मैं तुम्हारी वजह से वापस आया हूं। पहले तो समझी कि वो अपने किसी ड्रामे का डायलॉग बोल रहा है। मैंने उससे मजाक में टालना चाहा, मगर वो बहुत संजीदा था। बस उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कहती रही, जाने किस तरह मैं एक और धारे में बहने लगी। जमील मुझसे बाज़ दफा 3-3 दिन तक बात ना करते थे। सुबह को चुपचाप दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए, बच्चे को प्यार किया। वो अपने बच्चे पर आशिक थे और आधी रात के बाद घर लौटे। पहले पहले मुझे ख्याल आया कि मैं जमील की बेपरवाही का इंतकाम ले रही हूं, मगर असल बात ये थी कि मैं वाकई कमर की ओर खिंचती चली गई, जैसे सांप की ओर उसका शिकार खींचा चला जाता है। एक रोज मुझे बताए बगैर कमर जमील के पास उनके बार में गया और उनसे कहने लगा, जमील, मुझे तुम्हारी बीवी से इश्क हो गया है। गुड गॉड, नो, इरफान ने कहा। जमील भी पहले यही समझे कि कमर अपने ड्रामे का डायलॉग बोल रहा है, मगर जब सारी बात उनकी समझ में आई तो उन्होंने, जाहिर है इरफान ने उसकी बात काटी, उन्होंने पहले कमर की ठुकाई की होगी, फिर घर आकर तुम्हारी ठुकाई की होगी अच्छी तरह। आपको कैसे मालूम, सीता ने हैरत से पूछा। मेरा मतलब है, अगर मैं जमील की जगह होता तो यही करता। उन्होंने बिल्कुल यही किया। उन्होंने कमर के भी खूब घूंसे लगाए और घर आकर मुझे भी बहुत मारा।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जमील ऐसे मधुर और नर्म मिजाज के आदमी पर इतना जुनून सवार हो सकता है। उन्होंने मुझे खूब मारा। शाबाश मेरे शेर, इरफान ने कहा। और उस वक्त जमील ने भी ये भी कहा होगा कि अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ। और रात का वक्त था और बाहर बारिश हो रही थी। सीता हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ था, उसे धीरे से जवाब दिया। देखो सीता, इरफान ने रसान से कहा, तुम जो कहती हो कि हर बात मुख्तलिफ और ओरिजिनल और अनोखी और गहरी होनी चाहिए, सीता सारी जिंदगी हजारों लाखों बार दोहराई हुई दास्तान है। ऐसा हमेशा हुआ है और हमेशा होता रहेगा। लोग इसी तरह मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, एक दूसरे से मायूस होंगे, इसी तरह दिल टूटेंगे, इसी तरह दुख उठाए जाएंगे। तुम या जमील या कमर अनोखी अजूबे रोजगार हस्तियां नहीं हो। तुम मुझे सतही और गैर जज्बाती समझती हो, मगर मैं जानता हूं कि किस तरह तुम जमील के घर से, जो तुम्हारा घर था, निकली होगी, किस तरह उसने राहुल को तुमको देने से इनकार किया होगा, किस तरह तुम मदद मांगने कमर के पास गई होगी और शायद उसने भी तुम्हें सहारा देने से इनकार किया हो। ऐसी बातें तुम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि तुम और जमील और कमर बड़े गैर मामूली दिलो दिमाग के लोग थे, मगर जिंदगी की चक्की में सब एक साथ पिसते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल और गैर इंटेलेक्चुअल की कोई तफरीक नहीं। वो सर खिड़की में टिकाकर सामने सड़क देखती रही। अब पंजाब के सरसब्ज खेत शुरू हो चुके थे। सुर्ख और स्याह रंग के लहंगे पहने किसान औरतें पगडंडियों पर से गुजर रही थीं। गुरूब आफ्ताब की रोशनी में आसमान बिल्कुल सुर्ख अंगारा ऐसा हो गया था। सड़क पर मुकम्मल सन्नाटा था। जूहड़ों पर पनडुब्बियां चक्कर काट रही थीं। एक किसान बड़ा सा पगड़ बांधे और सफेद तहमत पहने बैलों की जोड़ी को हकाता घर जा रहा था। बहुत देर तक घंटियों की सुरीली आवाज शाम के गुलरंग सन्नाटे में तैरा की। सीता ने हाथ बढ़ाकर रेडियो खोल दिया। रेडियो सैलून से लता का गीत शुरू हो गया, जिसमें गिटार बड़ी जानलेवा आवाज में बज रहा था। बंद करो इसे, इरफान ने झुंझला कर कहा। सीता ने फौरन तामील की और स्विच ऑफ करने के बाद फिर सर खिड़की में रख दिया। रो मत, इरफान ने त्योरी पर बल डालकर कहा। उसने सिसकी भरी और छंगलिया से आंख का कोना साफ किया। मैं तुम्हारे लिए जो मुमकिन होगा करूंगा सीता, मगर बताओ भला मैं क्या कर सकता हूं। इरफान, मुझे मेरा राहुल चाहिए। अगर आपको मुझसे जरा सी भी हमदर्दी है तो जमील से मेरा बच्चा वापस दिलवा दीजिए। राहुल जमील से हिला हुआ है, वो उसे पागलों की तरह चाहते हैं। अमेरिका से आने वाले दोस्तों ने मुझे बताया है कि दफ्तर से सीधे घर आकर बस उसी को खिलाते रहते हैं। एक नीग्रो बुढ़िया उसकी देखभाल के लिए रख ली है। शाम को घर पर ही तन्हा बैठकर ड्रिंक करते हैं, मगर ये उनकी दूसरी शादी से पहले की बात है। अब तो उन्होंने उसे स्कूल के बोर्डिंग में डाल दिया है। किसी तरह मुझे मेरा बेटा वापस दिला दीजिए इरफान। तुमने उनके घर वालों से कहा? मैं उनसे क्या कह सकती हूं? कानूनी मशवरा किया? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने फरखंदाबाजी से जिक्र किया था। वो बेचारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं,
उन्होंने जमील को अनगिनत खत लिखे, मगर ये एक उलझा हुआ मामला है कि क्योंकि जमील उनके भाई हैं, उन्होंने मुझे तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली है, अभी थोड़े दिन हुए। अरे तुमने सिविल मैरिज नहीं की थी? नहीं, मुसलमान होकर मेरा निकाह पढ़ाया गया था, क्योंकि जमील के बाबा ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने अमेरिका में किसी गैर मुस्लिम से सिविल मैरिज की तो वो उनको आग कर देंगे। जमील ने मुझको ये बात बताई, मैं उनके इश्क में शिद्दत से मुबतला थी कि मैंने जवाब दिया कोई हर्ज नहीं, उनकी ये शर्त पूरी कर दीजिए, बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाने की क्या ज़रूरत है, और फर्क क्या पड़ता है मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मैं तो इन झगड़ों को नहीं मानती। निकाह नामे पर मेरा असली नाम शायद सईदा बेगम लिखा गया है। मैंने बेहद इसरार करके बिल्कुल शरई मोहर मेहर लिखवाया, जो सिर्फ चंद डॉलर बनता था, क्योंकि जमील ने मुझे तलाक नहीं दी इसलिए चूंकि जमील ने मुझे तलाक नहीं दी इसलिए उस स्पेनिश लड़की को भी मुसलमान करके ही ब्याह किया होगा, वो मुझे तलाक ना देकर अच्छी तरह सजा देना चाहते हैं। कसूर सरासर मेरा था, मैंने उन्हें धोखा दिया था। मैं कई महीने तक मुतवातिर दोपहर को या रात को जब भी मौका मिलता कमर के घर चली जाया करती थी। उसके दोस्तों को भी मालूम हो चुका था कि मैं उसके मिस्ट्रेस बन चुकी हूँ, लेकिन जिस वक्त जमील ने मुझे घर से निकाला, मैं बहुत देर बाहर बारिश में साइड वॉक पर खड़ी रही, मगर उस वक्त वो एक मरतबा भी दरवाज़ा खोल कर सिर्फ इतना कह देते, सीता बारिश में मत भीगो, अंदर आ जाओ, तो मैं वापस जाकर उनके कदमों से लिपट जाती। उम्र भर उनको धोखा न देती, मगर दरवाज़ा उसी तरह बंद रहा। अंदर से राहुल के रोने की आवाज़ आ रही थी, वो बेडरूम की रोशनी जलाकर उसे सुलाने की कोशिश में मसरूफ हो गए थे। उनका साया मैंने खिड़की पर पड़ते देखा, वो राहुल की पलंगड़ी पर झुके उसे सुला रहे थे। उसे कंबल उढ़ाने के बाद वो सर दोनों हाथों में थाम कर सोफे पर बैठ गए। मैं देर तक सांस रोके खिड़की के अंदर देखा कि शायद वो मुझे अंदर बुला लें, मगर वो उसी तरह बुद्ध बने अंदर बैठे रहे और उसके बाद रोशनी बुझा दी। आपने ठीक अंदाज़ा लगाया था। मैं वहाँ से टैक्सी लेकर कमर के घर पहुँची। उस वक्त उसके यहाँ महफिल गर्म थी। उसने मुझे ताज्जुब से देखा, इतनी बारिश में क्यों आई, कैसी हो? मैंने उसे सारी बात बताई, वो खामोश हो गया। फिर उसने कहा, मैंने गलती की थी, मैं तुमसे कभी नहीं निभा पाऊंगा, मैं बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हूँ, वापस जाओ और जमील से कहो तुम्हें माफ़ कर दें, वो बहुत नोबल आदमी है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे, मैं भी उनसे माफ़ी मांग लूँगा। हम दोनों जज्बात के सैलाब में बह गए थे। सीता रानी, जिंदगी का असल सुकून तुम्हें एक सॉलिड आदमी के घर में ही मिल सकता है। वो जाने क्या क्या डायलॉग बोलता रहा, मैं बाहर आ गई। चंद रोज मैंने अपनी दोस्त ग्रेस के अपार्टमेंट में गुजारे और फिर मामी से किराए का रुपया लेकर दिल्ली चली आई। अब साल भर से दिल्ली में हूँ। तुमने बच्चे के लिए जमील को लिखा? खुला की कोशिश नहीं कर सकती इरफान, ये सब इतनी डरावनी बातें हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि जिस आदमी को मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना दिमाग, रूह सभी कुछ सौंप दिया था,
एक रोज उससे अलीहदगी हासिल करने के लिए कानूनी झगड़े करने पड़ेंगे। मैं झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि डैडी को सब तफसील मालूम होती तो उनका सदमे के मारे हार्ट फेल हो जाता। एक बैरिस्टर दोस्त के जरिए अलबत्ता जमील को खत लिखवा दिया था कमर। उन्होंने जवाब दिया कि उस औरत की अखलाकी हालत ऐसी नहीं है कि एक मासूम बच्चे की परवरिश कर सके। और इरफान, उनका यह पॉइंट शायद ठीक भी था। कम से कम दुनिया की नज़रों में व्हाट रबिश। लाहौर स्टेशन पर इंडिया जाने वाली ट्रेन पर सवार होने से पहले प्लेटफॉर्म के सलाखों के इधर बैठे हुए कांस्टेबल ने कागजात की खानापूरी के लिए सवाल शुरू किए। तो एक खाने पर आकर उसने पूछा मजहब, सब गड़बड़ा गए। बिल्किस फॉर्म मुकम्मल करवा के ट्रेन के करीब खड़ी रिश्तेदारों से बातें करने में मशगूल थी। नादिर और इरफान सीता के साथ पुलिस की मेज पर मौजूद थे। कांस्टेबल ने पासपोर्ट खोलकर दोबारा देखा और वीजा पर निगाह दौड़ाई। नाम मिसेस सीता जमील, सफर का मकसद अजीजों से मिलने पाकिस्तान आई थी, शौहर की कौमियत जमहूरिया हिंद का शहरी। उसने फिर एक मरतबा सीता पर नजर डाली। अजीब सा नाम है, माथे पर बिंदी लगा रखी है, पाकिस्तान से इंडिया जा रही हैं। खासा पुरसरार मामला था। मजहब, उसने दोबारा सवाल किया, ये सोचना पड़ेगा। चलिए फ्री थिंकर लिख दीजिए, इरफान ने हंसते हुए कहा। कांस्टेबल ने लिख दिया, हा हा हा, नादे ने कहा लगाया। भाभी जान, फ्री थिंकर, सारे शगुन बड़ी खाला से पूछ पूछ कर तुलसीपुर में करती थी। जब जमील भैया बीमार पड़ गए थे, हा, इरफान भी खोखली हंसी ऐसा, हा, सीता ने भी उसका साथ दिया। ट्रेन लाहौर से दिल्ली पहुंच गई। बिल्किस उसी रोज पालम जाकर बंबई रवाना हुई। सीता करोल बाग वापस पहुंची, दूसरे रोज हिमा से मिली, तीसरे रोज से दफ्तर जाने लगी। उसकी मसरूफ और खाली जिंदगी के मामूलात का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू हो गया, जहां उसे छोड़कर वो 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान गई थी। बिल्किस के बंबई से लौटने के बाद मद्रा राक्षस शुरू होने वाला था और मॉडर्न थिएटर के अराकीन उसकी तैयारियों में बेतरा मसरूफ थे। फर्स्ट नाइट के मौके पर सीता थिएटर हॉल की सीढ़ियों पर खड़ी चंद दोस्तों से बातें कर रही थी, जब उसने महसूस किया कि सुतून के पीछे से एक आदमी उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। सूरत कुछ मानूस सी थी, मगर उसे समझ में नहीं आया कौन है। वो इत्मीनान से बातों में मुनमई करी। जब सब लोग अंदर जाने लगे, तब भी उस आदमी ने दो एक बार मुड़कर उसे उचट्टी निगाहों से देखा। खेल के अख्तिताम पर जब वो बिल्किस को मुबारकबाद देने के इरादे से ललिता के ड्रेसिंग रूम में गई, उस वक्त वो आदमी वहाँ पहले से मौजूद था और 4-5 लोग उसे घेरे हुए थे। अपने अंदाज से कोई बड़ी अहम हस्ती मालूम होता था। ललिता ने सीता का उसे तारुफ कराया, ब्रजेश कुमार चौधरी, मुल्क का अजीम मुसव्विर, आलमगीर शोहरत का एक्सप्रेशनिस्ट
एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, जिसकी तस्वीरें उसने नुमाइशों और रिसालों और किताबों में देखी थी, जिसके मुतालिक अमेरिका के आर्ट मैगजीनों में मजमून पढ़े थे। रुचेश कुमार चौधरी इस समय जीता जागता उसके सामने मौजूद था। हेलो सीता देवी, वो कह रहा था, कमर से तो आपका बहुत जिक्र सुना है, बड़ी खुशी हुई इस वक्त आपसे मुलाकात हो गई, आइए इधर बैठ जाएं। वो मलबूसात के अंबार के पास स्टूलों पर टिक गए। प्रजेश बेहद अखलाक से गुफ्तगू करता रहा, ये सोच करके वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसव्विर से बातें कर रही है। उसे बड़ी अजीब सी सनसनी महसूस हुई। प्रजेश खासी पुख्ता उम्र का इंसान था, उसकी शख्सियत बहुत दिलकश थी और औरतों को मोहने का फन भी उसे खूब आता था। बचपन से मैं आपका नाम सुनती आ रही हूं, कोलंबिया में हम लोगों ने आपकी तस्वीरों की नुमाइश भी की थी, इंडिया इवनिंग के सिलसिले में एक मरतबा, सीता ने कहा। अच्छा, वो बड़ी शफकत और अपनाइयत से मुस्कुराया, बचपन से आपका नाम सुनती आ रही हूं। ये क्या रस्मी और अहमकाना बात कह दी मैंने, मगर यह वाकया था कि उस वक्त वही अखबार की बेहद दरवस हो गई थी। मशहूर शख्सियतों से मालूम हो जाना उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी और उसे इस कमजोरी का एहसास भी था। पल की पल में उन सब मशहूर लोगों का जुलूस उसके जहन में मंडलाया जिनकी वो लड़कपन से हीरो वर्शिप करती आई थी। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बहुत छोटी हूं, दूसरे लम्हे उसने संभल कर कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी के बराबर होगी। खैर ये तो गलत है, बेटी, तो जरा रुक कर पूछा, हाँ अगर मेरे कोई बेटी होती तो तुमसे कोई 4-5 साल ही छोटी रही होती उम्र में। सीता को मालूम था कि जब से अपनी हंगरियन बीवी को उसने तलाक दी थी, जो खुद बड़ी मशहूर संतराश थी, प्रजेश कुमार ने दूसरी शादी नहीं की थी। जिस तरह गोरकी सारी दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटी समझता था, प्रजेश सारी दुनिया की खूबसूरत औरतों को अपनी हरमसरा की मुमकिन कनीज़े तसव्वुर करने का कायल था। और ऐसा सोचने में वो हक बजानी भी था, क्योंकि बहुत कम औरतें उसकी शख्सियत के शहर से बच सकती थीं। पिछले 20 साल से उसके बेतकल्लुफ दोस्तों के हलके में उसके मुख्तलिफ पीरियड मशहूर थे। 1938 से लेकर 1941 तक, जब इलाहाबाद की कश्मीरी नजार आर्टिस्ट पर प्रेमा बख्शी पर आशिक था, वो जमाना उसकी मुसव्वरी का कश्मीर पीरियड कहलाता था। उसके बाद यके बाद दीगरे चेकोस्लोवाकियन, गुजराती, राजस्थानी अदवार जारी रहे। 1946 से 1952 तक, जब नामवर हिंदी अदीबा कुमारी राज रानी मिश्रा ने उसे मुतासिर होकर 3 जखीम नावल लिखे, वो प्रजेश कुमार चौधरी का गंगा जमनी दौर समझा गया। 1952 से अब तक उसके अलैदा अलैदा मराठी, फ्रांसीसी, रूसी और पंजाबी पीरियड शुरू होकर ख़त्म हो चुके थे। इसी दौरान उसकी हंगरियन बीवी आई भी और चली भी गई, और कुछ अरसे से उसे जज्बाती ज़िंदगी का कोई पीरियड मंजर आम पर नहीं आया था। वो ललिता के ड्रेसिंग रूम में बैठा बहुत देर तक सीता से इधर उधर की बातें करता रहा। सीधी सादी उसकी तबीयत में कितना इंकसार था, कितनी मुलायमियत, सीता ने हैरत से सोचा। और जब प्रजेश ने कहा कि हफ्ते की रात को मेरे साथ खाना खाओ, तो उसने फौरन मंजूर कर लिया। कमर और माधुरी भी आ रहे हैं, प्रजेश ने इजाफा किया। ओह हाँ, वंडरफुल, मैं कमर से बहुत ज़माने से नहीं मिली, सीता ने गर्मजोशी से जवाब दिया। हफ्ते की शाम को जब वो प्रजेश कुमार चौधरी के हमरा रेस्तरां में दाखिल हो रही थी,
तो उन दोनों को इकट्ठे देखकर बरामदे में खड़ी हुई किसी लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा, शुगर डैडी। सीता का चेहरा सुर्ख हो गया। शुक्र है कि ब्रजेश ने यह लचर रिमार्क नहीं सुना, उसने सोचा। वो दोनों अंदर जाकर एक कोने में बैठ गए। हॉल कुमकुमों से जगमगा रहा था। ऑर्केस्ट्रा कोई ताज़ा तरीन अमेरिकन धुन बजाने में मसरूफ था। लोग आकर मेज़ों पर बैठ रहे थे या बाहर जा रहे थे। ब्रजेश अपने किसी शनासा से बात करने के लिए उठकर दूसरी मेज़ पर चला गया। सीता अपनी जगह पर बैठी रेस्तरां के मजमे को देखती रही। कैसे कैसे लोग नई हिंदुस्तानी स्टेज के अदाकार, उर्दू के शायर और अदीब, नए दौलतमंद सिंधी और पंजाबी जो 10 साल कबल शहर में पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे। बाहर कनाट सर्कस के रास्तों पर मोटरों का जवार भाटा उमंड रहा था। मरकजी हुकूमत के आला अहदेदार फिल्म सेमिनार के लिए आए हुए बम्बई और कलकत्ते के मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर, कांग्रेस और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इस नई सोसाइटी के मुतालिक रिसर्च करके उसने पीएचडी की डिग्री ली थी। चंद मिनट बाद ब्रजेश मेज पर वापस आया और नर्म नर्म आवाज में उसे बातें करता रहा। इन कमबख्त बंगालियों की आवाज में कितना जादू होता है। थोड़ी देर में कमर और माधुरी आ गए। माधुरी के मांग में सिंदूर था। मिसेस चौधरी, ब्रजेश ने सीता से तारुफ कराया। मुबारक हो कमर, सीता ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स सीता, हम लोगों ने इतनी जल्दी में शादी की है कि सब दोस्तों को खबर भी नहीं कर सके, और तुम तो पाकिस्तान चली गई थी। कमर ने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से सीता से बातें शुरू की, जिस तरह दो पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। उसी वक्त ब्रजेश ने एक रूसी दोस्त को अपनी मेज पर बुला लिया, जो उर्दू में रिसर्च करने के लिए मॉस्को से अलीगढ़ आई हुई थी। कुछ देर बाद दो और रूसी पार्टी में शामिल हो गए। ये दोनों भिलाई में इंजीनियर थे। ये लोग हिंदी वाले थे और नहायत सकील और नहायत शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। जू जू रात गहरी होती गई, ब्रजेश के मेहमानों की तादाद में इजाफा होता गया। डिनर के अख्तिताम पर जब सीता बाहर निकलने लगी तो कमर और माधुरी ने उसे बड़ी गर्मजोशी से आइंदा इतवार को अपने घर मदऊ किया। कमर और माधुरी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। वो दोनों सुंदर नगर के एक फ्लैट में रह रहे थे। माधुरी सरकारी अफसर थी और अपनी कार चलाती थी। इस वजह से कमर को अपनी माली कामयाबी के बावजूद कार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन दिनों वो दोनों अपना घर इंतहाई आर्टिस्टिक अंदाज से सजाने में जुटे हुए थे, और ज़्यादातर शाम को बाहर जाने के बजाय वो अपने करीबी दोस्तों को अपने यहाँ मदऊ कर लेते थे, जहाँ सब मिलकर खाना पकाने में माधुरी की मदद करते। इतवार की शाम हसबे वादा वो ब्रजेश के हमरा कमर के घर पहुँची। कमर घंटी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश दौड़ता हुआ नीचे इस्तकबाल के लिए आया। ऊपर पहुँच कर उसने मेहमानों को सिटिंग रूम में भी छोड़ा और उनकी खातिर करने में मसरूफ हो गया। ब्रजेश ने जो बहुत बड़ी पेंटिंग कमर को शादी के तोहफे में दी थी, उसके नीचे दीवान पर बैठे हुए सीता ने देखा कि कामयाबी ने कमर को एक हद तक मुख्तलिफ शख्सियत बना दिया था। उसके अंदाज में वो खुद एतमादी आ गई थी, शायद अब इतना लपाड़ी भी नहीं रहा था। मेहमानों से बातें करते करते वो कभी कभी नज़रें उठाकर बड़े प्यार से माधुरी को देख लेता। माधुरी ने उस पर बहुत अच्छा असर डाला था। ये जाहिर था कि वो उसकी बोहेमियन इज़्म दूर करने में तनदेही से मसरूफ थी।
कमर इस्लाम चौधरी उस वक्त एक कामयाब नामवर दौलतमंद इंसान था और मशहूर और मसरूर और मुतमईन। कामयाबी रूह के लिए कितनी उमदश है। उस वक्त तो बड़ी बेनियाजी और बेपरवाही से अपने ब्रितानवी अमेरिकन पब्लिशर्स का जिक्र कर रहा था और सीधा ने देखा कि उसकी गुफ्तगू में कहीं पर भी गुरूर या इतराहट या खुदसताई की झलक नहीं थी। कामयाबी इंसान को इंकसार भी सिखला देती है। चंद रोज बाद वो मॉस्को जा रहा था। उसकी नई तमसील मशरकी बर्लिन में स्टेज की जाने वाली थी। हाल ही में उसने अपना पहला नावल मुकम्मल किया था। उस नावल को छपवाने की उसे जल्दी नहीं थी कि क्योंकि नज़मों की मजमूए की इशात से उसे इतनी शोहरत मिल चुकी थी कि अब उसे मजीद शोहरत की चंदा परवाह न थी। कामयाबी इंसान को काने बना देती है। घंटी बजी और सतीश गोपाल और जेनिफर क्रेन अंदर आए। जेनिफर सीता को देखते ही नारा लगाकर उसे लिपट गई। डार्लिंग, तुमको इतनी सदियों बाद देखा है, कैसी हो? मैं अब मिसेस गोपाल हूं। और तुम? सतीश गोपाल ने मुस्कुराकर सीता को नमस्ते किया। सीता उससे एक बार बिल्किस के यहां मिल चुकी थी। वो बड़ा खुश अखलाक और मिलनसार किस्म का पंजाबी लड़का था। महकमे इतलात में काम करता था और उर्दू में शेर कहता था। हिंदुस्तान की रूह के अंदर झांकने की तुम्हारी प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई। खाने के लिए जापानी वजह की लंबी चौकी के नज़दीक कुशर पर बैठते हुए सीता ने जेनिफर से दरियाफ्त किया। बंगाल के बाद पंजाब का जायजा लेना बेहद ज़रूरी था। जेनिफर ने इत्मीनान से फसकड़ा मार फर्श पर बैठते हुए जवाब दिया, अभी तो हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स और बाकी हैं जेनिफर डियर। सीता ने कहा, खुदा मेरी मदद करे। जेनिफर ने आंखें घुमाकर छत को देखते हुए जवाब दिया, सीता जी, सतीश ने उसे मुखातिब किया, कमर साहब अब मुसर हैं कि मैं उनके नावल का उर्दू तर्जुमा करूं। आपने पढ़ लिया उसे? अभी तो नहीं। कमर फौरन मसौदे का फाइल निकाल लाया। नाम तो बड़ा अच्छा है, बादलों का शहर। प्रोजेश ने उनवान पर नज़र डालकर कहा। खाने के बाद कमर मसौदा लेकर सीता के पास आ बैठा। सीता, मैं किसी रोज़ यह नावल तुम्हें खुद पढ़कर सुनाऊंगा। सुनोगी? तुम्हें न्यूयॉर्क की वो तूफानी रात याद है जब बरसती बारिश में तुम मेरे पास आई थी और मैं कुछ ना कह सका था, याद है ना? मैंने उस तूफानी रात का बाप अपने खून जिगर से लिखा है, उसने आहिस्ता से कहा। सीता ने नफरत से नजर डाली। तुम जिंदगियों से इसीलिए खेलते हो कि बाद में उनके मुतालिक कामयाब नावल लिख सको। तुम इंटेलेक्चुअल लोग दरअसल कितने बड़े फ्रॉड हो, उसने दिल में कहा। जेनिफर अब कहवा बनाने में माधुरी की मदद करने बावर्ची खाने में जा चुकी थी और दोनों किसी बात पर खुश खुश हंस रही थी। सतीश फुलकारी के टुकड़े पर बैठा बुक केस की किताबें देखने में मसरूफ था और कमर से कोई बात कह रहा था। एक लम्हे के लिए सीता का सर चकरा गया। ये बोहिमियन इंटेलेक्चुअल लोग शादियों के सिलसिले में एक किस्म की म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे और कितने नाकाबिले एतबार थे, क्योंकि खुद उन्हें अपनी जिंदगियों पर एतबार ना था। यकलख्त उसे इरफान याद आया। और उस याद ने उसे बेहद दिल गिरफ्तार किया। उस लम्हे वो न जाने कहाँ होगा, लाहौर, पेशावर, पिंडी। वाकई उसने ठीक कहा था, वो और इरफान दो मुख्तलिफ कुर्रों पर जिंदा थे। इरफान ने उसकी रवानगी के वक्त लाहौर के प्लेटफॉर्म पर नीची आवाज़ में कहा था, तुम मुझे गैर जज्बात
तुम मुझे गैर जज्बाती समझती हो, मगर अब तुम्हारे जाने के बाद मैं मुस्तकिल ये शेर पढ़ पढ़कर आंसू बहाया करूंगा। आंसू बहाना क्या मानी, दहाड़े मार मार कर रोऊंगा। कौन सा शेर? अर्ज करता हूं, वो कब के आए भी और गए भी, नजर में अब तक समा रहे हैं। वो कब के आए भी और गए भी, नजर में अब तक समा रहे हैं। ये चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। 5 महीने गुजर गए, एक रोज काफी रात गए। बिल्किस खाना खाकर हाथ धोने के लिए गौसलखाने की तरफ जा रही थी, जब जोर जोर से फोन की घंटी बजी। सीता होगी, वही इस तरह वक्त बेवक्त फोन करती है। बिल्किस ने छोटी खाला से कहा और लाउंज में जाकर रिसीवर उठाया। उसका ख्याल ठीक था, हिमा के गार्डन हाउस से सीता बोल रही थी। बिल्ली, मैं कल सुबह को कोलंबो जा रही हूं। क्या कहा? कुआलालंपुर? खुदा के लिए क्यों भाई? कोलंबो, सीता की आवाज में नकाहत थी, मगर क्यों? मुझे अभी मालूम हुआ है कि जमील वहां यूएन के किसी काम से आए हुए हैं, तो मैं जाकर आखिरी बार उनसे प्रार्थना करूंगी कि राहुल मुझे दे दें। ये जंगली बतख का ताकुब है सीता डियर, और तुम वहां क्यों जाओ? शायद वो दिल्ली भी आएंगे। इतने करीब आकर ये कैसे हो सकता है कि वो यहां ना आए? मगर उन्होंने हमें कोलंबो आने के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। वो वहां सिर्फ हफ्ते भर के लिए आए और सीधे जकार्ता चले जाएंगे और फिर वापस न्यूयॉर्क। मैंने यूएन इंफॉर्मेशन ऑफिस से सब मालूम कर लिया है। और कोलंबो में तुम उन्हें पकड़ लोगी? हाँ, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। या अल्लाह, तुम रोज बरोज ज्यादा पुरअसरार होती जा रही हो सीता डियर। वो किस तरह? बड़ी रिसोर्सफुल हो भाई। वो तुम्हारे वाले महाशय भी आजकल वहीं पर हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के चक्कर में गए। मेरे वाले महाशय कौन? वही वो जरा झिझकी, इरफान। तुमको कैसे मालूम? मैं, मुझे उन्होंने खत लिखा था। अच्छा, आपसे उनकी खतों किताबत भी करती है? सॉरी, अच्छा आप उनसे खतों किताबत भी करती रही हैं? तुम वाकई बड़ी जबरदस्त डार्क हॉर्स हो सीता रानी। अगर कहीं खुदा ना खास्ता मैं उनसे शादी करने वाली होती तो इसी वक्त आकर तुमसे ड्वेल लड़ती। चूंकि मुझे मालूम है कि तुम उसे शादी नहीं कर रही, इसलिए मैंने उनके खतों का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं समझा। ओ नेवर माइंड, मैं मजाक कर रही थी। तुम किसी कदर बोर भी बनती जा रही हो, मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्र हो गई है। चीयर अप। तो वो इरफान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जमील को समझा बुझा कर राजी करने की कोशिश करें। तुम्हारे नाते उन्होंने पाकिस्तान में वादा किया था कि वो हर मुमकिन मदद करेंगे। इसके अलावा मैं 1.5 साल काम करते करते थक गई हूं, जरा सैर भी कर लूं। तो ये सैर करने के लिए यहां जगहें कम हैं? कश्मीर या केरल चली जाओ, इतनी दूर जाकर रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और फिर तुमने वही बेहूदा बात कही, मेरा नाता कैसा? मेरा मतलब ये कि वो तुम लोगों के फैमिली फ्रेंड है। दूसरी बात ये कि जमील भैया दूसरों तीसरों के समझाने से समझने के बजाय और ज्यादा चिढ़ जाएंगे। तुम उनका गुस्सा नहीं जानती हो, मैं उनकी बहन हूं, मैं जानती हूं। मैं उनकी बीवी हूं बिल्किस। गुड गॉड,
सीता तुमको अकल की बात बताना बिल्कुल बेकार है। सीधे स्वभाव ये क्यों नहीं कहती कि चूंकि तुम्हारे लिए पाकिस्तान जाकर इरफान से मिलना तकरीबन नामुमकिन है और हम सबके लिए ऑकवर्ड भी, इसलिए तुम महज उनसे मुलाकात करने को कोलंबो जा रही हो। तुम किसको बेवकूफ बनाना चाह रही हो सीता डियर? बिल्किस, सीता ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम दिन ब दिन ज्यादा अहमक होती जा रही हो। लोग यहां तुम्हारे स्कैंडल बयान करते करते सॉरी लोग यहां तुम्हारे स्कैंडल बयान करते हैं तो शर्म तो हम लोगों को आती है। गुड नाइट बिल्किस, सीता ने गुस्से से ललचते हुए जोर से रिसीवर पटक दिया। किससे लड़ रही थी? हिमा ने बच्चे को लोरी देते हुए अपने पास से बड़ी मीठी आवाज में पूछा अपने कमरे से बड़ी मीठी आवाज में पूछा तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओगे। सीता ने जहर भरे लहजे में जवाब दिया और बैग उठाकर तीर की तरह गैलरी से बाहर निकल गई। आखिरी के दो जुमले फिर से पढ़ रहा हूं। किससे लड़ रही थी? हिमा ने बच्चे को लोरी देते हुए अपने कमरे से बड़ी मीठी आवाज में पूछा तुम लोग सब मिलकर मुझे खा जाओगे। सीता ने जहर भरे लहजे में जवाब दिया और बैग उठाकर तीर की तरह गैलरी से बाहर निकल गई। मैं बहुत माफी चाहता हूं, अंग्रेजी के कुछ शब्द का मैं सही सही तलफ़ुज़ नहीं कर सका, बहुत गड़बड़ाया, माजरत, माफ़ी चाहता हूँ। शायद कुछ तबीयत अजीब होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसी गलतियाँ सरजद ना हों। बहरहाल ये था इस कहानी का सातवां हिस्सा, किस्त नंबर 7। कल आपको इस नॉवेल की 8वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।